the target ticket. Oh. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे आप लोग? वेलकम टू बैक माय चैनल. एंड मैं हूँ सारिका. वैसे आज है मंडे, और मंडे तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय. तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं दिन की शुरुआत पहले गर्मा गर्म चाय से. वैसे अभी क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है. हाँ बिल्कुल सही कहा, अगर चाय के साथ गर्मा गर्म अगर ब्रिटानिया टोस्ट होते ना, क्या मज़ा आता. बट लॉकडाउन के दिन में वो भी नहीं मिल रहे, तो चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है, लाइफ है, कभी खुशी तो कभी गम चलता रहता है. तो चलिए, आप लोगों के लॉकडाउन के दिन कैसे जा रहे हैं? यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है. नाइट के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा लगता है. बट दुख की बात ये है कि यहाँ पे जो है मैं नाइट का वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है. तो इस वजह से शायद मैंने इसे पहले भी बताया होगा. अभी वैसे लॉकडाउन थोड़ा सा ख़त्म होने को आया है, पता नहीं कब ख़त्म होगा, कब नहीं मालूम, नहीं किसी को भी मालूम नहीं. बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, या फिर लॉकडाउन ख़त्म भी हो सकता है. तो चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे अटके हैं. जैसे ही पुणे जाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर वहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियो एंड अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करूँगी. यहाँ पे जितना जो है जैसा अवेलेबल होगा वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. और ये देखिए, मैं आपको एक क्यूट सी स्माइल दे के हाय कह रही हूँ, या फिर गुड मॉर्निंग कह रही है, जो भी है. तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल अभी चाय हमारी बन रही है, तो हम लोग करेंगे चाय अभी एंजॉय. एंड आप भी आइए हमारे साथ. वैसे यहाँ का खूबसूरत खाना सब बहुत ही अच्छा लगता है. मैं कल वैसे घूमने के लिए गई थी सुबह जल्दी जल्दी, वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा एक वीडियो बन सकता था, बट बाई चांस मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी, तो इसलिए वो वीडियो नहीं बन पाया. यू नो, बहुत ही सुंदर था, इतनी हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, एंड जो सूरज जिस तरह से निकल रहा था ना, वो खूबसूरती सच में देखने की जैसी थी. बट वो मैंने मिस कर दिया, सॉरी टू से. नेक्स्ट टाइम जब भी अभी घूमने के लिए जाऊँगी ना, तो मैं मोबाइल साथ में लेके जाऊँ, क्योंकि ये मोबाइल साथ में लेके जाना, हाँ किसी व्यू के लिए ध्यान से वेट करके बैठना, ये ऐसा नहीं है. जैसे मुझे कोई अगर बात अच्छी लगती है तो मैं झट से वो वीडियो शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. वो भी ज़्यादा कुछ उसके लिए करती नहीं हूँ, जस्ट डाल के पोस्ट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. और एडिटिंग मुझे जैसा आता है, जो आता है, मैं वैसा करने की कोशिश करती हूँ. आई होप आप लोगों को अच्छा लगे. तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा. और तो आपकी प्यारी सौरभ भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करती है, एक्चुअली उसके स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करती है. हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, बातें तो हो रही रहती हैं, एंड मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में. तब तक के लिए thank you.
चलिए आज मैं आपको बताती हूँ घर में किस तरह से सब फैला पड़ा है। ये देखिए सब काम, और ये देखिए यहाँ पर तो थोड़ा सा लाइटिंग का वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, छोटा बच्चा है हमारे घर में अभी, मतलब छोटा, ये मेरा छोटा बेबी, देखो से हाय हाय। व्हाट, क्या क्यों पूरी चाहिए? अरे पूरी है तो सनफ्लावर पूरी मांगती है। ये देखो उसकी चाची ने उसको सुबह पूरी बनाई थी, तो सुबह तो उसने नहीं खाया, अभी बोल रही है कि पूरी चाहिए। कहाँ से अभी पूरी? पूरी खाई दे। खास बात करके ये है कि अभी नहीं, खास बात ये है कि अभी घर में आटा खत्म हो गया है। खत्म हो गया मतलब पीस के लाना पड़ेगा, घर के गेहूं वो कोई प्रॉब्लम है। कल मेरी मदर इन लॉ है तो वो गई थी वहाँ पे, तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ पे उसे चक्की बोलते हैं, गिरनी बोलते हैं, तो वो बंद हो गया था। आज गए थे तो आज लाइट गया था। यहाँ पे लाइटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट जो होते वो विलेज में बहुत डिम होते। यही एक हमारा जो मेन लोकेशन है मेरा, ये लिविंग रूम था हमारा पहले, तो अभी नहीं है, तो बस यही पे है। तो बट यहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, तो अभी मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि जब तक आप लोगों से बात ना करूँ तब तक तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर चलिए करते हैं अभी हम लोग डिनर की तैयारी। डिनर के लिए आज मैंने बनाई है तुरई की कढ़ी, और बनाऊंगी ज्वार की रोटी। ज्वार की रोटी इसलिए बनाऊंगी क्योंकि आज खत्म हो गया है आटा, और आटा खत्म हो गया है, तो अभी जो क्या कहे थे आप लोगों से चक्की गिरनी जो भी कही है, तो वो बंद था मतलब लाइट जाने की वजह से। तो अभी मेरी मदर इन लॉ है तो वो गई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं मैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए स्टे।